कभी-कभी मैं हैरान होता हूँ कि यार कई लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो उसे वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं। मतलब लिटरली वो वेस्ट कर देते हैं। एक तरीके से होता है ना, उस पैसे को आग लगा देना, ऐसी फीलिंग आ जाती है। अभी हाल ही में मैंने G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर एक मूवी देखी जिसका नाम है मिस अंडरकवर। इस मूवी में आपको जो मेन भूमिका में नजर आएंगी, राधिका आप्टे, इसके अलावा सुमित व्यास है और भी अन्य कलाकार हैं इस मूवी के अंदर। अब इस मूवी की रिकमेंडेशन जो है वो बार बार सामने आ रही थी। एक तरीके से इसका पोस्टर जो है वो बार बार नोटिफिकेशन में आ रहा था कि भैया ये मूवी आई है, ये मूवी आई है। G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर देखा था, वहाँ पर भी ये मूवी चल रही थी। फिर देखो, उस वक्त मेरा कोई इरादा नहीं हुआ इस मूवी को देखने का, क्योंकि मुझे पोस्टर कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था और ना ही मैंने इसका कोई ट्रेलर देखा था। तो मैंने इस मूवी को एक तरीके से बाद में टाइम देखे, मतलब कि कभी भी टाइम मिलेगा, पोस्टपोन में इसको मैंने डाल दिया। फिर एक दिन घर पे बैठा मैं, लिटरली बोर हो रहा था। फिर सोचा यार क्यों ना वो मिस अंडरकवर जो मूवी आई है उसी को देख लें। वो मूवी, मतलब ये जो मिस अंडरकवर मूवी देख कर सच में मुझे इतना ज़्यादा पछतावा हुआ कि यार मैं बोर हो रहा था, वो ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बजाय इसके कि अपने सर में मैंने जो दर्द कर लिया। कहानी की बात कर लेते हैं। देखो, कहानी पे जाने से पहले एक छोटी सी वार्निंग दे देता हूँ कि इसमें आपको छोटे मोटे स्पॉइलर मिल सकते हैं, तो ये अपने रिस्क पे देखना। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया ताकि अब मुझे गालियाँ ना पड़े। तो एक लड़की है या फिर एक लेडी है जिसको 10 साल हो गए हैं, इसकी शादी हो चुकी है। अब 10 साल बाद उसको एक मिशन दिया जाता है। इस लेडी का नाम होता है दुर्गा, जिसको प्ले किया राधिका आप्टे ने। अब 10 साल बाद इसको जो मिशन दिया जाता है, एक साइको, एक सीरियल किलर जो है उसको पकड़ना है, जो औरतों को मार रहा है, और इस बिहाफ पे मार रहा है कि जो औरत है वो सशक्त, एक तरीके से एम्पावर, यानी कि आत्मनिर्भर बनना चाह रही हैं, कुछ करना चाह रही हैं। तो ये जो साइको किलर है उसे वो चीज़ें पसंद नहीं है कि औरत जो है वो अपने दम पे कुछ करे, एम्पावर हो, तो वो उन औरतों को मारते हैं, और इसको पकड़ने का काम जो है वो दुर्गा को दिया जाता है। सबसे बड़ा मजाक मुझे इस मूवी में यही लगा। वैसे मूवी में जो आप जोनर देखेंगे तो एक्शन और मजाक ही है, और मजाक यही लगा कि दुर्गा को किस बिहाव पे चुना जाता है कि भैया इस किलर को ये पकड़ेगी। मतलब लिटरली सर में दर्द हो गया ये सोच सोच कर, यार क्यों, ये कितनी बेवकूफ़ी है। माना मूवी में आपने कॉमेडी लिखा, लेकिन कॉमेडी भी एक तरीके से सही ढंग से दिखाई जानी चाहिए। ऐसा मतलब नहीं है कि बिना सर पैर की चीज़ें जो है आप दिखा देंगे और ऑडियंस मान भी लेगी। इलॉजिकल चीज़ें इसमें देखने को मिली हैं। यार एंटरटेनमेंट के टाइम में मैं सोचता हूँ कि यार लॉजिकल चीज़ें ना ही हो, उसको हम दूर बिठाते हैं, लेकिन एक होता है कि कुछ तो चीज़ तर्कपूर्ण हमारे सामने रखी जाए, वो भी इसके अंदर नहीं है। कॉमेडी के नाम पे सच में मैंने पूरी मूवी देखी और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मुझे इसमें हंसी आई हो। हाँ, इस बात पे जरूर आई है कि भैया दुर्गा को जब वो सीरियल किलर को पकड़ने के लिए भेज दिया जाता है, और कैसे कैसे जो तर्क, कैसी कैसी बातें जो बोली जाती हैं वो सच में सर में दर्द कर देती हैं। दूसरा, इसके अंदर जो जोनर है वो एक्शन का है। भाई साहब, वो जो मैंने एक्शन इस मूवी के अंदर देखे हैं, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली उस एक्शन को देखने के लिए। मतलब सच में मेरे पास अपशब्द हैं, मतलब अपशब्द निकल जाएंगे इस मूवी के अगर उस सेक्शन की मैं बात करने बैठा तो। उसको स्किप कर देते हैं। तो भाई साहब, मूवी देखने के बाद मैं जैसे मुझे लगा कि यार ये कहीं मुझे ही गलतफहमी हो गई हो, यार मूवी अच्छी हो, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। तो मैंने IMDb के ऊपर इसकी रेटिंग चेक की। IMDb पर लगभग 8,000 लोगों ने इसको वो मतलब एक तरीके से रेट कर रखा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेटिंग इस मूवी की है। 7 out of 10 स्टार इसको दे रखे हैं। मुझे फिर एहसास हुआ कि यार मैं ही गलत हूँ, मुझे ही शायद ये मूवी पसंद नहीं है। देखो, सबका अपना अपना ओपिनियन है, किसी को पसंद आ भी सकती है, किसी को नहीं भी आ सकती। मुझे तो मूवी कहीं से भी पसंद नहीं है, लिटरली ना इसकी स्टोरी में कोई मुझे इंटरेस्ट बना, जो इसमें कॉमेडी है उसमें बिल्कुल भी नहीं बना। इसमें जो एक्शन है वो सच में इतने वाहियात एक्शन है यार, उनको देख कर गुस्सा आ रहा था। और जो दुर्गा का पति है भाई साहब, वो भी एक तरीके से ऐसा बंदा है जो औरतों को वो एम्पावर होने से रोकता है। इतनी घटिया सोच जो है, मानसिकता जो है वो मर्दों की इसके अंदर दिखाई गई है। एक तरीके से भैया मर जात होती ही खराब है, इसमें देखने को हमें मिलेगा। मतलब इस मूवी में पर इस बेस चीज़ पे, मतलब मेन चीज़ पे फोकस किया गया है। और एक जो चीज़ मुझे ये सोचकर बड़ी ही आश्चर्य हुआ कि यार इस मूवी का जब एंड होता है तो उसमें लिखा था टू बी कंटिन्यू, मतलब कि ये अभी जारी रहेगा। मतलब किस बेस पे जारी कर रहे हो यार, क्या उस कहानी में था, कुछ अपने आप देखते नहीं हो कि राइटर जो है वो पागल है क्या, उसको पता ही नहीं चलता कि यार उसने क्या लिख दिया है और आगे वो क्या लिखने वाला, और कहीं से भी कोई भी इंटरेस्ट बन रहा था। और यार सच में मूवी को जो
कोई भी आपको प्रिडिक्टेबल चीज़ें, मतलब सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको प्रिडिक्टेबल मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कोई सस्पेंस आपको मिले, एक्शन बड़े धमाकेदार हो, आप कॉमेडी मिलेगी बहुत लौट पोट के हंस जाओगे, ऐसा कोई सोशल मैसेज मिलेगा जिस पे आपको बदलाव मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है मूवी में। खैर देखो, मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 2 out of 10। आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो मैं तो देखो अपनी तरफ से रिकमेंडेड करूँगा नहीं कि आप ये मूवी देखो, इससे बेटर कुछ पढ़ लो, कुछ और काम कर लो, एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे लो बजाय कि इन जैसी मूवीज़ को देखने के ऊपर। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।